नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक सॉन्ग में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है LIC के प्लान के ऊपर है। LIC के दो ऐसे अद्भुत प्लान जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों ये दोनों प्लान काफ़ी पॉपुलर हैं और दोनों डिमांडिंग प्लान हैं, मतलब मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट प्लान में से एक हैं, और कस्टमर की भी डिमांड रहती है कि इस प्लान को वो ले। और हमारा एडवाइज़र भी नहीं संकोच इसको रिकमेंड करने में देरी नहीं करता, क्योंकि ये प्लान कहीं ना कहीं पर काफ़ी बेहतरीन फीचर के साथ अपलोडेड हैं। और तो इन्हीं प्लान के ऊपर हमारी ये वीडियो है। दोस्तों प्लान का नाम आप दोस्तों जान ही चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्लान है दोस्तों जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर है 936। दूसरा प्लान है दोस्तों जीवन उमंग, जिसका टेबल नंबर है 945। दोनों ही प्लान दोस्तों अपनी अपनी कैटेगरी में नंबर वन पे हैं, लेकिन आज हम दोनों प्लान का कंपैरिजन करेंगे, दोनों प्लान को एक साथ ही प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे। और इस दोनों प्लान से रिलेटेड कोई भी अगर आपके डाउट है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस प्लान को कौन आदमी ले सकता है, इसमें राइडर किस तरीके के हैं, इस प्लान के अंदर सम एश्योर्ड क्या है, इस प्लान के टर्म क्या है, सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम एग्जांपल के साथ कवर करेंगे कि कोई व्यक्ति इस प्लान को लेता है तो कितने लाख रुपए का लेता है, तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है, और आगे डेथ बेनिफिट क्या है, इसके अंदर मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है, सब कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको इस प्लान से जुड़े कोई भी डाउट्स है तो क्लियर हो जाए। उसके बावजूद भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो आप कमेंट में डाल देंगे, उसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे अछूती ना रह जाए। जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को हिट कर दिया, तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं कि जीवन लाभ और जीवन उमंग में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा प्लान किसके लिए कितना बेहतर है। और दोस्तों अब स्क्रीन पर हम आ गए हैं, स्क्रीन पर देखेंगे आप, मैंने दोनों प्लान को डिस्प्ले कर रखा है और हम यहाँ पर भी बात करेंगे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन प्लान ले सकता है और कितना टर्म है और क्या क्या एज क्राइटेरिया है। तो अगर हम सबसे पहले जीवन लाभ की बात करते हैं, जीवन लाभ जो है 8 साल से लेकर के 59 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। और टर्म की बात करें पॉलिसी टर्म की, तो पॉलिसी टर्म जो है 25 साल, 21 साल, 16 साल है। और PPD टर्म की बात करें, यानी कि पॉलिसी प्रीमियम टर्म की बात करें कि कब तक प्रीमियम देना है, तो इसमें 25 साल वाले में 16 साल प्रीमियम देना होता है, 21 साल वाले में 15 साल और 16 साल में 10 साल। अब हम बात करें मेच्योरिटी एज की, तो मेच्योरिटी एज जो 25 साल वाला प्लान है जिसमें 16 साल प्रीमियम पे करना है, उसमें मेच्योरिटी एज 50 साल की है। और 21 साल वाले प्लान में मेच्योरिटी एज 54 साल की, और वहीं पे 16 साल वाले में मेच्योरिटी एज 59 साल की है। मेच्योरिटी एज की हम बात करते हैं, यहाँ पे मेच्योरिटी एज का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने ये पॉलिसी ली है, जब वो मेच्योर करेगा, पॉलिसी जब मेच्योर करेगी, तो उसकी एज उसमें 50 ईयर्स होनी चाहिए। अगर उसने 16 साल वाला टर्म लिया है, 25 साल वाला टर्म लिया, 1600 का प्रीमियम टर्म देखा है, तो उसका मैक्सिमम मेच्योरिटी जो 50 साल होनी चाहिए। वहीं पर अगर 21 साल वाले की बात करें, तो वहाँ पे मैक्सिमम मेच्योरिटी उसकी 54 ईयर्स होनी चाहिए और 16 साल वाले में 59 ईयर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि सम एश्योर्ड, कितने सम एश्योर्ड का ये पॉलिसी ली जा सकती है। तो यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 2 लाख रुपये का, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब बात आते हैं डेथ पे बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो डेथ पे दोस्तों देखेंगे तो पहला बेनिफिट है सम एश्योर्ड प्लस बोनस का, दूसरा है 7 times ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, और तीसरा 105% ऑफ प्रीमियम पेड। इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा दोस्तों वो मिलेगा, या तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाएगा उसको, या 7 times एनुअलाइज्ड प्रीमियम का जो प्रीमियम दिया उसका 7 times वो रिटर्न हो जाएगा, या 105% ऑफ प्रीमियम पेड, यानी 105% प्रीमियम का। तो तीनों में से जो ज़्यादा होगा वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा उसके डेथ पे। ये तो बात हो गई जीवन लाभ की, अब बात करते हैं जीवन उमंग की। हालांकि दोस्तों बात करते हैं जीवन लाभ और जीवन उमंग दोनों अपने आप में एक अलग फॉर्मेट के प्लान है। जीवन लाभ बात करते हैं एंडोमेंट प्लान है, वहीं पे जीवन उमंग की बात करते हैं होल लाइफ मनी बैक प्लान है, यानी इसको हम पेंशन प्लान के रूप में भी कह सकते हैं। अब बात आते हैं जीवन उमंग पे आते हैं, जिसका टेबल नंबर 945। यहाँ पे देखेंगे एज के क्राइटेरिया की बात करें तो 90 दिन का बच्चा से लेकर 55 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। टर्म जो लिखा है 100 साल के लिए लिखा हुआ है, साथ में करंट एज भी लिखी है हमने। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति इस प्लान को लेगा वो 100 साल तक इसको इंश्योरेंस कवर जीवन उमंग के तहत मिलेगा। यानी कि अगर उदाहरण के साथ समझे तो 30 साल का व्यक्ति अगर है और वो इस प्लान को लेता है, तो 70 साल तक उसके और अगले जो 70 साल है वो कवर करेगी जीवन उमंग। यानी कि 70 + 30 करेंगे तो 100 साल हो जाते हैं, यानी जो भी आपकी एज होगी करंट एज उसमें से माइनस कर लेंगे 100 ईयर्स को, तो जो बैलेंस एज बचेगी वो आपका कवर एज हो गई, और उतने टाइम तक के लिए आपका जीवन उमंग कवर करेगा। पॉलिसी PPD टर्म की बात करें यहाँ पे, तो PPD टर्म 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है। यानी कि जो प्रीमियम भरना है आपने 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30
चार ऑप्शन अवेलेबल है। मैच्योरिटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मैच्योरिटी पे मिलते हैं 8% ऑफ सम अश्योर्ड, यानी कि जो भी पॉलिसी जितने लाख रुपए की भी ली गई है उसका 8% गारंटेड सम अश्योर्ड यहाँ पे मिलता है। यानी उदाहरण के लिए मान के चले अगर किसी व्यक्ति ने इस पॉलिसी को 10 लाख का सम अश्योर्ड कर लिया हुआ है तो उसका 8% बनता है 80,000 रुपये, यानी कि 80,000 रुपये उसको गारंटेड मिलने वाले हर साल। अब हम बातें हैं सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड जैसे जीवन लाभ के अंदर था 2 लाख रुपए का, सेम सम अश्योर्ड यहाँ पे भी है। 2 लाख रुपए से पॉलिसी स्टार्ट होती है और मिनिमम सम अश्योर्ड 2 लाख का, मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। डेथ बेनिफिट के दोस्तों की बात करें जीवन बीमा के अंदर तो सम अश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है यहाँ पे। अब दोस्तों हम आगे जीवन लाभ के एग्जाम्पल पे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इस प्लान को कैसे एक वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने 30 साल का व्यक्ति लिया है, पीपीडी टर्म इसका लिया है मैंने 16 साल का और पॉलिसी टर्म लिया मैंने 25 साल का, सम अश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपए का। तो यहाँ पे 30 साल के व्यक्ति का प्रीमियम बनेगा 47,574 रुपये और अगले साल इसका प्रीमियम थोड़ा कम जाएगा क्योंकि GST का फर्क पड़ जाता है, तो 31 साल से प्रीमियम होगा 46,491 रुपये। ये प्रीमियम उस व्यक्ति ने 16 साल तक देना है और उसके बाद उसका 9 साल का एक हॉलीडे पीरियड रहेगा जहाँ पे कॉर्पोरेशन खुद अपनी तरफ से प्रीमियम पे करती है, तो देखेंगे। और 9 साल के बाद 25 साल उसका हो जाएगा, तो 25 साल बाद उसको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा इस पॉलिसी के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो प्रीमियम दे रहा है वो कुल प्रीमियम होता है 7,44,889 रुपये। और इस पॉलिसी की खास बात दोस्तों ये कि पॉलिसी का प्रीमियम 16 साल पे खत्म हो जाता है, 9 साल तक आपको वेट करना होता है और 9 साल के बाद एक अच्छा लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो है 26,25,000 रुपये। ये बेनिफिट एलिस्ट्रेशन दोस्तों एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, एक्यूरेट अमाउंट नहीं है, ये प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि ये LIC के पोर्टल से निकाला गया, तो एक बेनिफिट एलिस्ट्रेशन है, तो इसको बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट ना समझे। ये डिपेंड करता है कॉर्पोरेशन के बिजनेस के ऊपर और बोनस के रेट के ऊपर। तो ये प्रीवियस बोनस के रेट के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की है। तो यहाँ पे देखेंगे उसको मैच्योरिटी मिल रही 26,25,000 रुपये। इस पॉलिसी की एक और खास बात है दोस्तों कि अगर इसके पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ पे नॉमिनी को उसका नॉर्मल कवरेज की अगर हम बात करें तो देखेंगे, जैसे मान के चलते हैं कि 35 साल के एज पे अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पे 12,82,000 रुपये इसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। वहीं पे डेथ अगर एक्सीडेंटल होती है तो 22,82,000 रुपये मिल जाएंगे, यानी डबल सम अश्योर्ड मिल जाता है एक्सीडेंटल डेथ के अंदर। और इस पॉलिसी में एक और खास बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका रिस्क कवर भी बढ़ता रहेगा। तो ये तो होगी जीवन लाभ की बात। अब हम चलते हैं जीवन उमंग पे। दोस्तों अब हम आ गए हैं जीवन उमंग के टेबल पे और जीवन उमंग में भी मैंने 30 साल की उम्र ली है, पीपीटी टर्म मैंने 15 साल के लिए है, पॉलिसी टर्म यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 100 साल का पॉलिसी टर्म होता है और यहाँ पे सम अश्योर्ड मैंने 10 लाख का लिया है। तो 10 लाख एवरेज में 30 साल के व्यक्ति का प्रीमियम आएगा यहाँ पे 82,078 रुपये और उसके अगले साल जैसे GST का फर्क पड़ जाएगा तो यहाँ पे 31 साल से प्रीमियम हो जाएगा 80,311 रुपये। तो आप देखेंगे ये जो प्रीमियम है ये अगले 15 साल तक जाने वाला है, 15 साल जाने के बाद पॉलिसी का प्रीमियम जाना बंद हो जाएगा लेकिन पॉलिसी का बेनिफिट यहाँ पे चालू हो जाता है क्योंकि ये प्लान 100 साल के लिए यानी होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है विद मनी बैक के साथ। तो आप देखेंगे 44 साल की उम्र के बाद जैसे ही 45वां साल आया यहाँ पे उसका 8% जो मैंने पीछे बताया कि सम अश्योर्ड का 8% गारंटेड है इस पॉलिसी के अंदर, तो 80,000 रुपये इस पॉलिसी होल्डर को मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला फीचर ये, और ये पैसा दोस्तों तब तक मिलेगा जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है, यानी कि 100 साल की पूरी गारंटी LIC यहाँ पे दे रही है। अगर 30 साल का व्यक्ति है तो 70 साल तक उसको ये पैसा मिलना है। 70 साल के बाद यानी कि 100 साल के बाद भी अगर व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाएगा तो उसके नॉमिनी को तकरीबन 1,60,00,000 रुपये यहाँ पे उसको मिल जाएंगे। दोस्तों इस पॉलिसी की एक और खास बात है, जैसे जैसे हम प्रीमियम भरते जाएंगे हमारा जो रिस्क वाले पॉलिसी होल्डर का वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। अगर आप उदाहरण के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टेबल में 35 साल पे प्रीमियम जैसे भरा उसने उसका 11,71,000 रुपये का रिस्क कवर हो गया और वहीं 33 साल पे देखेंगे तो 12,28,000 रुपये का रिस्क कवर हो गया। इस तरीके से जैसे जैसे एज बढ़ रही है और जैसे जैसे प्रीमियम जमा हो रहा है वैसे ही रिस्क कवर बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस पॉलिसी होल्डर के 44 साल की उम्र में डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उसके नॉमिनी को 18,65,000 रुपये मिल जाना है और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो यहाँ पे 28,65,000 रुपये मिल जाना है। तो ये इस पॉलिसी की खास बातें थी। अब इसमें एक और बात, जैसे मैंने बताया कि ये पॉलिसी होल लाइफ मनी बैक प्लान है या होल लाइफ पेंशन प्लान भी कह सकते हैं। पेंशन प्लान दोस्तों हम इसलिए नहीं कहते वर्ड यूज़ करते क्योंकि पेंशन जहाँ पे आया था वहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है, लेकिन यहाँ पे LIC ने अपने बड़े समझदारी के साथ इस प्लान के अंदर मनी बैक यानी सर्वाइवल बेनिफिट का रूप दिया है इसको, ताकि किसी भी तरीके के पॉलिसी धारक पर कोई टैक्स लाइबिलिटी ना बने क्योंकि मनी बैक जो होता है वो टैक्स फ्री के अंदर आता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी पैसा मिलने वाला है वो बिल्कुल 100% टैक्स फ्री है। अब यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पॉलिसी को लेकर के अपना मनी बैक का बेनिफिट ले रहा है
अब वो चाहता है कि मुझे लमसम अमाउंट भी मिले। अब हम लेके चलते 15 साल उसने अपना पैसा पे किया, 15 साल उसने अपना पेंशन लिया और 15 साल के बाद उसका मूड बनता है कि मुझे लमसम अमाउंट भी चाहिए। तो 15 साल के बाद अगर वो जाए चाहता है, जैसे मान लीजिए हम लेके चलते हैं 59 केज पे जाता है या 60 केज पे जाता है, तो यहाँ पर लमसम अमाउंट भी ले सकता है। जो आप कैश वैल्यू वाला जो कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे 59 केज पर उसको 24,31,800 रुपये मिल जाएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसकी ये वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, यानी कि वो 80,000 रुपये का बेनिफिट तो लेते रहेंगे, लेकिन जब वो चाहेंगे इसको स्टॉप करना तो स्टॉप करके एक लमसम अमाउंट भी अच्छा सा अमाउंट लेके जा सकते हैं। और उसके बाद इनका जो 80,000 रुपये का जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्लान दोनों में से कोई एक बेनिफिट आपको देगा। तो जब तक आपको 80,000 रुपये की पेंशन लेनी है तब तक वो बेनिफिट लीजिए, और जब लगता है आपको लमसम चाहिए तो आप लमसम अमाउंट ले सकते हैं। और रिस्क कवर मैंने बता ही दिया, इसमें रिस्क कवर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इसका रिस्क कवर बढ़ता रहेगा। दोस्तों अब जीवन उमंग की देखें खास बात, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पॉलिसी होल्डर है वो 15 साल में 12,06,432 रुपये पे कर रहा है, उसके बाद में उसको मेच्योरिटी जो मिल रही है वो 1,60,15,000 रुपये की मिल रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन मेच्योरिटी है। वहीं पर अगर हम लाभ की बात करें तो लाइफ में भी अलग तरीके का फीचर है, उसमें 15 साल प्रीमियम पे करना है, 16 साल प्रीमियम पे करना है, 9 साल वेट करना है और 25 साल पर एक अच्छी मेच्योरिटी वहाँ पर मिल जाती है बहुत ही कम पैसे दे करके। तो दोनों प्लान की अपनी अपनी खासियत है दोस्तों। तो उम्मीद कर तो दोस्तों अगर आप एडवाइज़र हैं तो इस प्लान को जरूर अपने क्लाइंटों को रिकमेंड करें, अपने कस्टमर्स को जरूर दें, और अगर आप कस्टमर तो इस प्लान को जरूर लें, क्योंकि अगर आप ये दोनों प्लान आपके बास्केट में अगर नहीं तो कहीं ना कहीं पर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था जीवन लाभ और जीवन उमंग की प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को अपने भाई बहनों में भी रिकमेंड कीजिएगा जो लोग इंश्योरेंस की तलाश में, अच्छे प्लान की तलाश में। अगर आप एडवाइज़र हैं तो एडवाइज़र को भी रिकमेंड कीजिए अपने एडवाइज़र भाई बहनों को, ताकि वो भी इस प्लान से जुड़ी कोई भी जो जानकारी है उससे अपने आप को अपडेट कर सके। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोग का तहदिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे किसी टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।